अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किए उनकी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ उनकी ऑडियो क्वालिटी का भी अच्छा आना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के मोबाइल फोन में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन का होना जरूरी है जो आप लोगों की वीडियो क्वालिटी को अच्छे से अच्छा कर सकती है, उसके साथ साथ आप लोगों की ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप लोगों को मैं हमेशा बोया M1 का माइक यूज करने की सलाह देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन है जो आप लोगों के मोबाइल फोन में होना जरूरी है, जिससे आप लोग अच्छी से अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फोन के साथ बोया M1 का माइक किस तरह अटैच कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले आप दोस्त अगर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल में प्रोफेशनल लेवल की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के मोबाइल फोन में ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन का होना जरूरी है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप लोगों ने ओपन कैमरा एप्लीकेशन की करनी है ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड कर सके। उसके अलावा काफी ज्यादा दोस्तों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई हमारा जो M1 का माइक है वो हमारे मोबाइल फोन के साथ अटैच नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हिडन सेटिंग शेयर करूंगा जो करने के बाद आप लोगों का M1 का माइक भी आप लोगों के मोबाइल फोन के साथ अटैच हो जाएगा, उसके अलावा आप एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलें अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जहाँ भी ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन को सर्च करना है, अपने ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, तो आप लोगों के सामने मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद ये आप लोगों से एक्सेस मांगेगा कि मैं इस आप लोगों के मोबाइल फ़ोन को एक्सेस करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इसको लो कर देना है। इसको लो करने के बाद ये आप लोगों के ये फोटोज़ और मीडिया को एक्सेस करना चाहता है, इसको सिंपल लो कर दें। उसके बाद इसको ओके कर दें। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को फ्रंट और बैक कैमरे की सहूलत मौजूद है। यहाँ से आप लोग फ्रंट कैम भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग बैक कैम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग वीडियो और आप लोग फोटोज़ पे आ सकते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने वीडियो अलाउ किया, तो ये आप लोगों के सामने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ में इसको मैंने यस कर दिया। तो जो आप लोगों के सामने ये बड़ी सेटिंग शेयर करना चाहता हूँ, ये आप लोगों ऊपर आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोगों ने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग नज़र आएगी फेस डिटेक्शन, इसको आप लोगों ने यस कर देना है। यानी कि जब आप लोग अपने फेस की वीडियो बना रहे होंगे तो ये आप लोगों को ये सहूलत मुहैया करेगा कि आप लोग अपने फेस को डिटेक्ट करवा सकें, कि कैमरे को पता चले कि आप लोगों का फेस कहाँ है। उसके बाद अमूमन आप लोगों ने जो आप लोगों को या मैं रिकमेंड करूँगा मोर कैमरा कंट्रोल को आप लोगों ने ओपन करना है। मोर कैमरा कंट्रोल को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे सेव लोकेशन आ गई है। यहाँ से आप लोग अपने जो जो वीडियोस और फोटोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, मेमोरी कार्ड में या मोबाइल फ़ोन में, ये वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग आ जाएं जो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो ओपन कैमरा की सबसे बड़ी सेटिंग्स वीडियो सेटिंग आप लोगों को, आप लोगों ने यहाँ पे टॉप वाले सेटिंग के ऊपर आना है वीडियो रेजोल्यूशन। यहाँ से इस क्लिक करने के बाद आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 1280x720 वाली रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी सेटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमारा एक्सटर्नल माइक नहीं अटैच हो पा रहा ओपन कैमरा के साथ, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा ऑडियो सोर्स वाली सेटिंग पे ऊपर आएँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल माइक इज़ प्रेजेंट। अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल माइक अटैच किया हुआ है तो आप लोग ये दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का जो बोया M1 का माइक आप लोगों का मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देगा। अगर आप लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो वो बोया M1 का माइक आप लोगों के मोबाइल फोन के साथ अटैच नहीं हो सकता। आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के साथ नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं, इसको आप लोगों ने फिर लानी चाहिए। अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स हैं तो आप लोग इसको वापस कर दें। तो ये आप लोगों का जो आप लोगों को ओपन कैमरा की सेटिंग है वो M1 का माइक आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ इस प्रोसेस के लिए अटैच हो सकता है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों के सामने मैं जो आप लोगों को ये ओपन कैमरा का रिजल्ट भी दिखाऊंगा और आप लोगों को बोया M1 माइक का रिजल्ट दिखाऊंगा। बोया M1 का माइक हमने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच कर लिया, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों का बोया M1 का माइक आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच हो गया कि नहीं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के वाले से मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।